आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वही लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा पिछड़ा मोर्चा के शोध प्रमुख और भारतीय जनहित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मौर्य ने किया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम जनता ने भी शिरकत की थी। इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए युवा भाजपा नेता विनोद मौर्य ने कहा कि हम सब हमेशा से जनप्रिय और जनता के लिए काम करने वाले राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से आम जनता के लिए खड़े होते आए हैं और उनकी पहचान राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक समाज सेवी के रूप में है। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, आज आप लोगों की तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, आप उसमें मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे नए साल? देखिए, आज 9 वर्ष के आगमन और मेरे जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम श्री विनोद कुमार मौर्य जी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण भी किया जाएगा और साथ ही साथ आज मानवर कांशीराम कॉलोनी के इस कैंपस में जो इन्होंने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ आज इस 9 वर्ष के अवसर पर मैं भी यहाँ पर आए हुए हजारों की तादाद में सभी भाइयों बहनों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और समस्त प्रदेशवासियों को भी मैं शुभकामना बधाई देते हुए अपेक्षा करता हूँ कि आपका सहयोग इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ते रहने में सहयोग मिलता रहना चाहिए। मंत्री जी, चुनावी मौसम है और लगातार उत्तर प्रदेश में रेड हो रही है और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो अब चुनाव को देखते हुए ये रेड करवा रहे हैं और हमारा नाम उसमें बीच में लाने की कोशिश करी जा रही है। देखिए, साँच को माँच नहीं, गलत किसी को फंसाया नहीं जाएगा। रेड में और कानूनी दायरे में यदि कोई आएगा तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई दुर्भावना के साथ काम नहीं किया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी दुर्भावना से कोई काम नहीं करेगी और जो भी कानूनी दायरे में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कल जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज राजधानी लखनऊ की काशीराम जो कॉलोनी है वहाँ पर कंबल बैठने का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजक विनोद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि किस तरह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ किया जा रहा है। ये कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम था? ऐसा है कि पूरे प्रदेश में 2 जनवरी को चूंकि हमारे यहाँ चाचा जी का जन्मदिन होता है, तो हम लोग पूरे प्रदेश में चूंकि कल 2 जनवरी है, हम लोग आवास पे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, विशेष सुरैया हाल, मेडिकल कॉलेज। लेकिन प्रत्येक वर्ष में इस तरह के आयोजन जन्मदिन के एक दिन पूर्व गरीबों को कम्बल वितरण, भंडारे और अनेक प्रकार के आयोजन करता रहता हूँ। चूँकि हमारे माननीय मंत्री जी पिछड़ों और दलितों के मसीहा हैं, कहे भी जाते हैं और सभी जानते हैं इस बात को, तो ये उनके जन्मदिन के अवसर पर आज पूर्व संध्या पे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि इतने जनसैलाब के साथ माननीय मंत्री जी को हम सब लोग मिलके, मंत्री जी का आशीर्वाद तो हम लोग ले ही रहे हैं लेकिन हम लोगों के भी उम्र उनको लग जाए, ऐसी हमारी कामना है। देखा जा रहा है लगातार आप पहले भी कई तरह के समाज सेवा में लिप्त रहे हैं, हमसे काम करते आ रहे हैं, कई तरह की समाज सेवा आपके द्वारा की जाती है, तो कैसे समाज से बैठाते हैं राजनीति समाज सेवा? सब हो जाता है। हम लोग देखिए, हम लोग नेता कम हैं, पारिवारिक ज़्यादा हैं, क्योंकि ये यहाँ जितनी जनता पब्लिक बैठी है ना, ये हमारा परिवार है। हम यहाँ नेतागिरी या राजनीति करने नहीं आए हैं, यहाँ एक परिवार से अपने लोगों से मिलने आए हुए हैं और ये यहाँ पे जो भी पब्लिक बैठी हुई है ये सब हमारे अपने लोग हैं और जब अपने लोगों का विचार होता है ना तभी अपने लोगों का साथ मिलता है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, प्रदेश सरकार कार्यकाल पे क्या कहेंगे? अरे फिर हम लोग 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1,000 रुपये श्रमिकों को प्रतिमा खाते में जा रहा, 500-500 रुपये पेंशन की योजना, बालिकाओं के जो श्रमिक हमारे हैं उनके बच्चों को इंजीनियरिंग बच्चा कर रहा है तो 5,000 रुपये, अगर लड़की की वो शादी करता है तो लड़की की शादी में जो है 75,000 रुपये है,
अगर वो सामूहिक विवाह में करता है ऐसे 55,000 रुपए। इस प्रकार की श्रम विभाग के द्वारा इतनी योजनाएं, ये तो एक श्रम विभाग की योजनाएं हैं, बाकी जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय फ्री, उज्ज्वला गैस योजना, 5 लाख तक का बीमा, तो बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार चला रही, हमारी जनता प्रदेश की खुशहाल है, देश की जनता खुशहाल है। अब वो चाहती है कि पुनः फिर मोदी जी की और योगी जी की सरकार आए। प्राइम टीवी के माध्यम से यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ की जनता के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जनता भी भली भांति जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में आज मोदी और योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी बहन बेटियां खुशहाल रहें, सुरक्षित रहें। ऐसा ही आगे भी हमारा प्रयास है कि जो छूट एक आधी कमियां बची हुई उनको हम पूर्ण करके पूरे प्रदेश में खुशहाली लाएं। तो ये थे हमारे साथ विनोद मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सोर प्रमुख हैं। इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं और लगातार सामाजिक कार्यों के माध्यम से आम जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहना है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम कर रही है, और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में, यानी 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से ही वो फिर दोबारा परचम लहराएगी। वहीं स्वयं प्रसाद मौर्य के जन्मदिन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमेशा से हम उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर इस तरह के सामाजिक कार्य भी करते हैं और उनके जन्मदिन को भी पूर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ मंडल के महाप्रबंधक अमित खन्ना ने गरीब, अनाथ और विकलांग बच्चों को ट्रैवलर बस दी है। आपको बता दें कि SBI के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ सेवा संतान के संरक्षक और कुछ बच्चे भी यहां पर सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए SBI लखनऊ मंडल के महाप्रबंधक अमित खन्ना ने कहा कि SBI लगातार समाज सेवा से जुड़ा रहता है और कोरोना महामारी के समय भी स्टेट बैंक ने बढ़ चढ़कर सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता आया है, और कोशिश की जाती है कि जो समाज के उपेक्षित लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जहां भी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको शायद सरकारी स्तर पर पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता, वहां इंस्टीट्यूशंस का रोल आता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई कॉरपोरेट्स हैं, वो लोग अपने बिजनेस को करते हुए साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करना उनकी एक जिम्मेदारी है। और इसी संदर्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से ही समाज से जुड़ा रहा है। जहाँ जहाँ लगा कि वहाँ हमारा कुछ रोल हम अदा कर सकते हैं तो हम उसे करते आए हैं। और अभी इसी कड़ी में आज 1 जनवरी को सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हमने दृष्टि संस्थान को एक व्हीकल भेंट किया है। दृष्टि संस्थान जो है वो समाज के उपेक्षित बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो बेसहारा हैं, मेंटली डिस्टार्टेड हैं या हैंडीकैप्ड हैं, उन बच्चों को लेकर आता है, अपने यहाँ पालता पोसता है। बहुत डेडिकेटेड NGO है, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और आज उसी कड़ी में उन्हें इस वाहन भेंट किया गया है उन्हें, ताकि वो उसे उपयोग कर सकें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।